नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम के सपोर्ट में। तो आज मैं बताने वाला हूँ, सहारा से बहुत बड़ा अपडेट आया है जो सभी निवेशकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अगर जो आपका भी भुगतान पैसा फंसा हुआ है तो कलेक्टर के आदेश के अनुसार आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 30 दिनों के भीतर अपने भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सत्यापित कराना होगा कि आपका मैच्योरिटी हो चुका है और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको कलेक्टर ऑफिस जाके शिकायत दर्ज करानी होगी, जिसके बाद पूरी शिकायत प्रक्रिया के बाद कि संबंध में आपको भुगतान होगा। क्या है पूरी खबर आज की वीडियो में जानेंगे। जितने भी निवेशक देखने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अभी देश में प्रबंधन के तरफ से दिए गए बयान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लोग अपने भुगतान को लेकर जगह जगह रैलियाँ निकाल रही हैं, जगह जगह पे विद्रोह का मामला बना हुआ है, जिसमें सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि प्रबंधन के भुगतान हेतु सीआरसी में शिकायत कैंप लगाया जाए। सीआरसी कैंप के तहत जितने भी लोग सीआरसी में भुगतान के लिए शिकायत दर्ज कराए थे, सभी निवेशकों का भुगतान कलेक्टर के सत्यापन के बाद संभव हो पाएगा। सूचना प्रसारित होते ही जैसे मानो लोगों में भीड़ उमड़ पड़ी अपने कलेक्टर ऑफिस के बाहर। जैसे कि हम आपको बता दें, देश के अलग अलग कोने में लगातार कलेक्टर के पास शिकायत रजिस्टर कराई जा रही है और कलेक्टर ऑफिस में कल से पूरा भीड़ का माहौल। जितने भी लोग जिनका पैसा किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट के अनुसार आदेशानुसार जितने लोगों का पैसा किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसा हुआ है, वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से अपने भुगतान को प्राप्त कर पाएंगे। और अभी तक किसी भी इंसान का भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके बाद काफ़ी दिनों से दबाव की स्थिति बनी हुई थी। निवेशक काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद मजबूरन बस कलेक्टर को सामने आना पड़ा और जिला कलेक्टर को यह आदेश दिया है, जितने भी लोग अपने शिकायत को दर्ज कराना चाहते हैं वो सीआरसी में जाके कैंपिंग के जरिए सीआरसी शिकायत कैंप के जरिए अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और इसी कैंप में सत्यापन के बाद उन सभी शिकायत को सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ऑफिस भेजा जाएगा, सत्यापित करके भेजा जाएगा। उन सभी शिकायतकर्ता और जितने भी लोग हैं सभी का भुगतान कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, नवंबर 2022 को सीआरसी के तहत नए कैंप को लगाने पे स्टे लग गया था, पर जिसको बाद में जनवरी 2023 में इस पे खुली छूट दी गई है कि लोग हटा देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो से जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।